तो गाइस, जैसे कि पता ही है, बहुत ही जल्द वेस्ट बंगाल के ऊपर एक साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम है रेमल। इस तरीके का नेचुरल डिजास्टर में कुछ हो और ना हो, इलेक्ट्रिक जाना तो पक्का है। इसीलिए आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ पावरफुल पावर बैंक विथ इमरजेंसी लाइट। जिसके लिए पहले तो हमें बहुत सारा बैटरी चाहिए। जितना ज्यादा बैटरी रहेगा उतना ही ज्यादा एमएच का पावर बैंक बनेगा। फोन को चार्ज करने के लिए एक स्टेप अप मॉड्यूल चाहिए और इमरजेंसी लाइट के लिए चाहिए ढेर सारा एलईडी स्ट्रिप। ये एलईडी 4 वोल्ट में चलता है। एक वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए। इन सारे बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल, एक इलेक्ट्रिक बोर्ड चाहिए जिसके अंदर इन सारे चीज़ों को फिट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ भी होगा। तो गाइस, यहाँ पे एक बैटरी 2000 मिली एम्पीयर का है और यहाँ पे हम चारों बैटरी को यूज़ करेंगे तो कुल मिला के 8000 मिली एम्पीयर का पावर बैंक बनेगा और इन दो बैटरी को किसी और प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। अब इन सारे बैटरी को एक एक करके चिपका लेते हैं। एक बैटरी को इसके ऊपर चिपका रहा हो क्योंकि केस के अंदर जगह थोड़ा कम है और इन दो साइड में दो सर्किट को बिठाएंगे। तो अब इन सारे बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन तो हो गया है। अब स्टेप अप सर्किट और चार्जिंग सर्किट को चिपका लेते हैं। तो गाइस, इन सारे एलईडी को इस बोर्ड के ऊपर चिपका लेते हैं। इस एलईडी का कनेक्शन बहुत ही इजी है। सिंपली सारे एलईडी को पैरेलली कनेक्ट कर लेना है। तो गाइस, हमारा लगभग सारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसे चार्ज में लगा के देखते हैं चार्ज होता है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है, मतलब चार्ज हो रहा है। गाइस, यहाँ पे एक गलती हो गया है। ये जो सर्किट है ये फोन को बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस सर्किट को यूज करने वाला हूँ जो कि मुझे एक पुराने लाइट के अंदर से मिला है और ये एक पावर बैंक की तरह भी काम करता है। और इसमें एक और फीचर भी है, जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हो बैटरी इंडिकेटर लगा हुआ है और चार्जिंग इंडिकेटर भी, लेकिन हमें सिर्फ बैटरी इंडिकेटर चाहिए क्योंकि चार्जिंग के लिए हमने एक अलग से बोर्ड लगाया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम फिट करेंगे इसे और पुराने रिमोट से एक बटन को उधार लेंगे। इस बटन को लगाएंगे यहाँ पे। यूएसबी के इस टर्मिनल में नेगेटिव वायर कनेक्ट होगा और इस टर्मिनल में पॉजिटिव वायर, वो दोनों कनेक्शन इस बोर्ड में से जाएगा। ये है प्लस कनेक्शन, ये है माइनस कनेक्शन। कुछ इस तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर देना है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे चार्जिंग का कनेक्शन हो गया है, मतलब फोन चार्ज करने का। अब इस बोर्ड में बैटरी का कनेक्शन कर लेते हैं। बैटरी के कनेक्शन होते ही यहाँ पे इंडिकेटर शो होने लग गया। यहाँ पे इस बटन को दबाने के बाद बैटरी लेवल शो होगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस, एक बार लाइट का इंटेंसिटी भी चेक कर लेते हैं। और बाप रे गाइस, बहुत ज्यादा ही रोशनी है इसमें से। तो गाइस, हमारा इमरजेंसी पावर बैंक रेडी हो गया है, लेकिन चार्जिंग इंडिकेटर को बाहर लगाना भूल ही गए हूँ। जैसे कि देख ही सकते हो रेड एलईडी अंदर चल रहा है। तो गाइस, अब देखते हैं इस पावर बैंक से फोन चार्ज होता है या नहीं। तो फाइनली फोन चार्जिंग पे है और बैटरी इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। और जैसे ही पावर बैंक से यूएसबी डिस्कनेक्ट हुआ, बैटरी इंडिकेटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल चार्ज हो रहा है। अब गाइस, बाहर जाकर टेस्ट करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितना है। गाइस, मैं आ चुका हूँ एक अंधेरी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है और अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे लाइट को बढ़ा रहा हूँ और ये देखो गाइस, लाइट का इंटेंसिटी कितना ज़्यादा है। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।